गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष स्वर्गीय रंग नारायण पांडे की 40वीं पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन छात्र संघ भवन पर किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी के अलावा गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, व्यापारी नेता दयाशंकर दुबे, चेतना पांडे, रंग विहारी पांडे सहित अन्य पदाधिकारी एवं छात्र मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय रंग नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने स्वर्गीय रंग नारायण पांडे के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें छात्रों का हितैषी बताया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व सांसद कुशल तिवारी ने कहा, और सौभाग्य से हमारे बीच मुख्य के रूप में है, उनके बारे में सोचते हैं। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, यह तय करके जाएंगे आज कि गोरखपुर के नौजवानों छात्रों कैसे हम संघर्षों को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों, सिर्फ हंगामा खड़ा करना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, अगर हो कहीं पे आप तो ये आग जलनी चाहिए। अरे पीछे हटिए ना, अमर रहे रंग में नारायण, अमर रहे सर। सर एक मिनट, वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय कृष्ण जी के पास जो मूर्ति है आप वहां भी कुछ जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। विश्वजीत त्रिपाठी जी भी श्रद्धा सुमन करें नारायण पांडे के चित्र पर। ने अपना समाज में क्या योगदान दिया, छात्र नेता के रूप में अभूतपूर्व व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आ गया है और इतने वर्षों के बाद भी सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। उनके द्वारा जो कदम उठाए गए सर्व जन कल्याण के लिए, सभी के अच्छी सुखद कामना करते हुए उन्होंने जो कार्य किए वो अविस्मरणीय है और इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एक अद्भुत हस्ताक्षर गोरखपुर क्षेत्र के एक व्यक्तित्व के मालिक, हम ऐसे नारायण जी की याद में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए वह मार्गदर्शक के रूप में जो उन्होंने अपनी कार्यकलापों से जो प्रेरणा दी है उसकी युवा पीढ़ी में पालन करते रहेगी और उन्हीं के लिए यह प्रतिज्ञाओं को चलते हुए हम पूर्वांचल के साथ साथ इस प्रदेश का एक नया निर्माण करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। हम इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों को बधाई देते हैं जो हमारे युवा पीढ़ी को सेंसिटाइज कर रहे हैं, उनके द्वारा जो हमारे जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए, महत्वपूर्ण योगदान किया गया वह हमारे युवा पीढ़ी के लिए पर प्रदर्शक बने, ऐसी मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने लगे तो यह समझा जाना चाहिए, माना जाना चाहिए कि व्यवस्था युवाओं के पक्ष में नहीं है और जो व्यवस्था युवाओं के पक्ष में नहीं होती है वह व्यवस्था परिवर्तन के पक्ष में नहीं होती है। आत्मविश्वास के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि छात्र राजनीति एकमात्र ऐसा माध्यम थी जिसके सहारे, जिसका आश्रय लेकर वाले परिवार का बच्चा भी यह साबित कर सकता था कि हाँ मेरे में नेतृत्व क्षमता है। ये होने लगा है, हमारे जन्म में पहले सब बहुत अच्छा था, जब से हम पैदा हुए तब से सब बुरा हो गया। हम लोग रंग नारायण पांडे जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं और उनके अच्छे कृत्यों को समाज में प्रसारित करने का काम करेंगे। आज की राजनीति और पहले की राजनीति, आज की राजनीति और पहले की राजनीति में तो क्या अंतर है, हमारे ख्याल से कोई बहुत अंतर नहीं है। नई चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी का वो बढ़ावा हो रहा है, थोड़ा सा उसका असर पड़ता है।